देखिए, अभी भारत सरकार के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से लागू है, जिसमें कि 3 केजी चावल और 2 केजी गेहूं दिया जाता था, लेकिन अभी जून महीने से 4 केजी चावल और 1 केजी गेहूं ही दे रहा है, और जिससे बहुत जगह से हम लोगों के पास लोग कंप्लेन करते हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, गरीब लोग हैं, कि हम लोग को 2 केजी गेहूं मिलता था, 2 केजी गेहूं ही मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों टाइम लोग एक टाइम चावल खाते हैं और दूसरे टाइम में रोटी खाते हैं, तो इसलिए लोगों की का लोग कंप्लेन करते हैं। तो हम लोग भारत सरकार से कहेंगे कि ये पक्षपात पूर्ण रवैया ना हो। चुकी बिहार के उपभोक्ता और संरक्षण मंत्री जुलेसी सिंह जो हैं, आज केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जो है वो बिहार वासियों से जो है वो भेदभाव कर रही है। आपको बताते चलें कि बिहार में अब एनडीए की सरकार नहीं है, अब महागठबंधन की सरकार है, और केंद्र सरकार जो है बिहार से भेदभाव कर रही है। इस तरीके का आरोप जो है वो उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने लगाया है। प्रधानमंत्री गरीब खाद योजना के अंतर्गत जो है राज्य को कम अनाज मिल रहा है। पहले 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल मिलता था, अब 1 किलो गेहूँ और 4 किलो जो है चावल दिया जा रहा है, जबकि भाजपा शासित प्रदेशों में जो है वहां 2 किलो और गेहूं जो है 3 किलो चावल जो है पहले की तरह दिया जा रहा है। केंद्र सरकार भाजपा शासित प्रदेशों में अलग कानून लाती है, और जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां अलग बिहार के साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा है। वहीं उपभोक्ता और संरक्षण मंत्री क्या कुछ करी है लेसी सिंह, पहले आप वो सुने। ये तो एक न्यायालय का मामला है, आप लोगों के माध्यम से ही अभी जानकारी मिली है कि कोर्ट ने कोई आगे एक्शन नहीं लिया है, तो ये न्यायालय का स्वागत योग्य कदम है, ये तो होना ही था, तो और तो ज़्यादा मुझे अभी जानकारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आइंदा अपने शब्दों का ख्याल रखेंगे, आपकी जिम्मेवारी बड़े पद पर बैठेंगे। देखिए, अब कोर्ट का आदेश होता है, कोर्ट के आदेश पर ज़्यादा कुछ आप बोल नहीं सकते हैं, कोर्ट का तो आदेश सर्वोपरि होता है, उसका तो सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम लोग भी करते हैं और वो भी करेंगे। एक सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, जो गरीबों को अनाज दिया जाता है चाहे वो चावल हो या गेहूं हो, क्या पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार से अवेलेबल हो पा रहा है, क्योंकि त्यौहार का समय है। देखिए, अभी भारत सरकार के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से लागू है, जिसमें कि 3 केजी चावल और 2 केजी गेहूं दिया जाता था, लेकिन अभी जून महीने से 4 केजी चावल और 1 केजी गेहूं ही दे रहा है, और जिससे बहुत जगह से हम लोगों के पास लोग कंप्लेन करते हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, गरीब लोग हैं, कि हम लोग को 2 केजी गेहूं मिलता था, 2 केजी गेहूं ही मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों टाइम लोग एक टाइम चावल खाते हैं और दूसरे टाइम में रोटी खाते हैं, इसलिए लोगों की का लोग कंप्लेन करते हैं। तो हम लोग भारत सरकार से कहेंगे कि ये पक्षपात पूर्ण रवैया ना हो, चूँकि जो हम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2 केजी गेहूं दे रहा है, 3 केजी चावल दे रहा है, चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये भेदभावपूर्ण रवैया ना हो बिहार के साथ। लगातार भारत सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, हम लोग मांग करेंगे कि जो पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लाभार्थी को 3 केजी चावल और 2 केजी गेहूं मिलता था वो मिले, इसके लिए हम लोग मांग करेंगे। देखिए, लगातार तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, और जानबूझ के परेशान किया जाता है, और राज्य के हित में जो करना चाहिए केंद्र सरकार को वो नहीं कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी 2022 से 5 केजी चावल ही दिया जा रहा है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि गरीबों के थाली में जो अनाज जा रहा है प्रधानमंत्री दे रहे हैं, गरीब के लिए कल्याण कर रहे हैं, तो आपको मतलब लगता है कि हाँ इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है, जो पहले से इसमें प्रावधान किया हुआ है कि 2 केजी गेहूं मिलना चाहिए, अब उसके जगह पर 1 केजी दिया जा रहा है, इससे लोगों को दिक्कत है, हम लोगों के पास कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं।
माने आप ये कह रहे हैं मैडम, जहाँ भाजपा की सरकार है जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ डिफरेंसेस? जरूर है, वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहाँ के लिए अलग नियम कानून होते हैं, हम लोग के लिए अलग नियम कानून बनाते हैं। ये तो है ही पक्षपातपूर्ण रवैया। लोगों का त्यौहार है, अभी दीपावली है, छठ है, इसमें लोग गेहूँ की महत्वपूर्ण लोग इससे ठकुआ उकुआ सब बनाते हैं, खाने में भी लोगों को दिक्कत होती है। आप लोगों ने बात की केंद्र सरकार के? जरूर, हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और फिर करेंगे। एक अंतिम सवाल है मैडम, आपके 6 में जो पंचायत चुनाव हुआ और 7 में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिए हैं जो अति पिछड़ों और दलित आदिवासी सबको, महिलाओं को, सबको फायदा हो रहा है, तो ये किन्होंने दिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही साजिश में हैं। जो साजिश रच रहे हैं वो साजिश को हम लोग उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। और हर हाल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज में, नगर निकाय में जो आरक्षण दिए हैं, वो हर हाल में मिलेगा। तो आपने सुना मंत्री लेसी सिंह का क्या कुछ कहना है। मंत्री लेसी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो बिहार से जो है भेदभाव कर रही है, और जहां लोगों को 2 किलो जो है चावल जो है मिलता था, वो सब चावल जो है वो बंद जो है वो भाजपा के द्वारा कर दिया, केंद्र सरकार के द्वारा है जो कर दिया है। केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है और भाजपा पर एक तरफ से जो है आज मंत्री लेसी सिंह ने तंज कसा है। आपने सुना कि मंत्री लेसी सिंह का क्या कुछ कहना था। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो आप हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।